अगर किसी पर्सन में COVID-19 सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, थकान, तो आप घर से ही उसका COVID-19 टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हॉस्पिटल या लैब जाने की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको घर से ही COVID-19 टेस्ट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। COVID-19 टेस्ट करने के लिए आपको एक COVID-19 टेस्ट किट लेनी होगी। जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए किट आती है, वैसे ही COVID-19 टेस्ट करने के लिए भी किट आती है, जिसको आप अपने आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ऑनलाइन अमेज़न से ली है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस तरह की आपको किट मिलेगी, आप इस किट को ओपन करेंगे। इस किट में आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। एक टेस्ट डिवाइस मिलेगी, एक स्वैब मिलेगा सैंपल लेने के लिए, और एक प्री फिल्ड ट्यूब मिलेगी, और एक डिस्पोजल बैग मिलेगा, जिसमें आप बाद में सारा सामान भरकर इसको डिस्पोज करेंगे। तो सबसे पहले आप सैंपल लेने के लिए इसको ओपन करेंगे। जिस साइड में ओपन लिखा हुआ है, उसी साइड से आप ओपन करेंगे। इससे आप सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के लिए इसको आप नाक में डालेंगे। पहले एक साइड में आप डालेंगे और इसको 3 से 4 बार घुमाएंगे। इसके बाद आप दूसरी साइड में डालेंगे और इसको 3 से 4 बार घुमाएंगे। इसके बाद आप प्रीफिल ट्यूब को ओपन करेंगे। यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। जो आपने सैंपल लिया है, उसको आप इस तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको तोड़ देंगे। इस तरह से इसको मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ। इस ट्यूब के साथ में एक कैप आता है, इस कैप के थ्रू आप इसको बंद कर देंगे। आपके पास जो सैंपल है, इसको आप इस बॉक्स में रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक होल दिया गया है। इस तरह से आप सैंपल को बॉक्स में रख देंगे। ये है टेस्ट डिवाइस, इस पर आप सैंपल डालेंगे टेस्ट करने के लिए। इस पर एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपने यही वाला किट लिया है, तो आप कोविफाइंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद लॉगिन करेंगे, इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद उस पर्सन की डिटेल्स फिल करेंगे जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि उसका फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। ये डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन रेडी है टेस्ट रिजल्ट बताने के लिए। तो अब आप टेस्ट करेंगे। सैंपल हमने लिया हुआ है, तो इस तरह से आप इस सैंपल को डालेंगे इस किट में। जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए डाला जाता है, वैसे ही आप यहां पर डालेंगे। 2 से 3 ड्रॉप्स आपको यहां पर डाल देनी है। इसके बाद आपको वेट करना होगा। एप्लीकेशन में गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप क्विक टेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको 15 मिनट्स वेट करना होगा रिजल्ट चेक करने के लिए। तो आप स्टार्ट टाइमर पर क्लिक करके टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं टाइम पूरा हो गया है। अब आपको किट का एक फोटो लेना होगा। इस तरह से आप किट को रखेंगे और टेक फोटो पर क्लिक करके एक फोटो क्लिक करेंगे, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिजल्ट निगेटिव है। रिजल्ट आप किट में भी देख सकते हैं। किट में 2 लाइन होती है, एक कंट्रोल लाइन और एक टेस्ट लाइन। अगर किट में सिर्फ 1 लाइन शो होती है, कंट्रोल लाइन, जैसे कि इस किट में शो हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट निगेटिव है और जिसका आपने टेस्ट किया है उसको कोरोना नहीं है। लेकिन अगर किट में 2 लाइन शो होती है, कंट्रोल लाइन भी और टेस्ट लाइन भी, तो इसका मतलब होगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है और जिसका आपने टेस्ट किया है उसको कोरोना है। लेकिन अगर किट में सिर्फ 1 लाइन आती है, टेस्ट लाइन, टी के सामने यहाँ पर 1 लाइन आती है और सी के सामने कोई लाइन नहीं आती है, तब रिजल्ट इनवैलिड होगा और आपको टेस्ट दोबारा से करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप घर बैठे COVID-19 टेस्ट कर सकते हैं और अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अगर आपको किसी पर डाउट होता है कि उसको कोरोना है, तो आप उसका घर पर ही टेस्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद आपको साथ में दिया गया डिस्पोजल बैग ओपन करना है और ये सारा मटेरियल आपको इसमें भरकर इसको डिस्पोज कर देना है। इस तरह से सारा मटेरियल इसमें भरेंगे और यहाँ पर आप इसको चिपका देंगे। इस तरह से यहाँ पर ये चिपक जाएगा और इसके बाद आप इसको डिस्पोज कर देंगे।